हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक रेसिपीज़, आपका अपना चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटे का बटन दबाने के बाद ऑल पर भी क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपीज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। दही बूंदी एक ऐसी रेसिपी जो हमारे खाने को पूरा करती है। इसको हम किसी भी सब्जी के साथ खाएं, उस खाने का मज़ा चार गुना बढ़ जाता है। ये रेसिपी है ही इतनी मज़ेदार, पर मटर पनीर और छोले के साथ तो इसका अलग ही स्वाद मिलता है हम सबको। तो शुरू करें बनाना। तो दोस्तों, एक बर्तन में हमने डाला है 1 कप बूंदी। हमने रेडीमेड बूंदी लिया है, बाज़ार में ये बहुत आसानी से मिल जाती है। तो बूंदी को हमने एक बाउल में डाल दिया है और उसमें डाल दिया है गर्म पानी और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब जिस कप से हमने बूंदी लिया था उसी कप से नाप कर 1 कप दही ले लिया है दूसरे बर्तन में। अब उसको किसी चम्मच की सहायता से या चमचे की सहायता से फेंट लेते हैं अच्छे से। आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकती हैं। पाँच से सात मिनट तक फेंटने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही काले मिर्च पाउडर। इन सबको डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। नमक हम अभी नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जिस कप से हमने दही और बूंदी नापी थी उससे ही नाप कर अब हम इस दही में 1 कप पानी डाल देंगे। तो पूरा 1 कप पानी जाएगा इसमें। ये देखिए, चला गया है पूरा 1 कप पानी। अब हमने बूंदी को छान लिया है, दही में बूंदी को कर देंगे ऐड। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर मिक्स कर देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है अब हमने, और फिर से मिक्स कर देंगे। तो लास्ट में अब फिर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया भी रख दिया इसके ऊपर ऐसे बीच में, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना ज़बरदस्त, खाने में और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।